नेक्स्ट टॉपिक चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिंपल चार्ज टू मैस रेशियो की मैं बात करूं तो चार्ज टू मैस रेशियो को एक और नाम दिया जाता है जो मैंने यूनिट नंबर वन में बताया था किसी को याद है कि चार्ज टू मैस रेशो को क्या कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज बिल्कुल चार्ज टू मैस रेशो का जो दूसरा नाम हमारे पास होता है वो क्या होता है वो स्पेसिफिक चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और वो कितनी है 1.7 इलेवन कूलम पर के जी तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लें ठीक है अदरवाइज ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि तो चार्ज भी कॉन्स्टेंट मास भी कॉन्स्टेंट और वैल्यू है इलेवन कूलम पर के जी और कई दफा एग्जामिनर सिंपल कहता है चार्ज टू मैथ रेशो की जगह स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताए तो बच्चे समझते हैं शायद चार्ज की वैल्यू बतानी है तो स्पेसिफिक चार्ज चार्ज टू और तब भी आंसर क्या आएगा 1.7 टू इलेवन कुल के जी अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ तो नहीं जाएंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या था एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक गैस चैंबर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अब गैस चैम्बर है इसका मतलब यहां पर हमारे पास एक मीडियम प्रेजेंट है अब होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है इस चैम्बर के अंदर तो हमने जो अभी पढ़ा कि एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई होती है मैग्नेटिक फोर्स तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई क्या होगी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी और जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी ये क्या करेगा डिफ्लेक्ट करेगा और अगर विलॉसटी और बी में एंगल 90 था तो ये इलेक्ट्रॉन उस जगह पर एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा अब ये अगर गैस चैम्बर है तो जिस जिस जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो गैस को एक्साइट करवाएगा और गैस अगर एक्साइट होती जाएगी तो उस जगह पर जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा वो विजिबल हो जाएगा अब पाथ जो विजिबल होता है तो उसका फायदा क्या है पाथ विजिबल करने का फायदा ये होता है कि आप उसकी मदद से रेडियस को कैलकुलेट करते हो कि जो चार्ज टू मैथ रेशियो फाइंड करने में रेडियस की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली जब तक गैस एक्साइट होकर पाथ को विजिबल नहीं करेगी वो रेडियस कैलकुलेट नहीं हो सकता तो मीज एक्सपेरिमेंट तो यही है कि हमारे पास गैस चैम्बर है वहां पर हमने प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है जहां जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा गैस को एक्साइड करवाएगा पाथ विजिबल हो जाएगा और पाथ विजिबल होने से हम डायमीटर या रेडियस को कैलकुलेट कर लेते हैं अब ये जो चार्ज टू मैस रेशो की कैलकुलेशन में जो रिलेशन यूज होता है वो क्या है चार्ज टू मैस रेशो का जो रिलेशन है वो दो फॉर्म में लिखा जाता है वेलोसिटी की फॉर्म में लिखा जाता है वी ओवर बी आर वी जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया बी जिस मैग्नेटिक फील्ड में किया और आर उस पाथ का रेडियस अगर ये तीनों चीजें कैलकुलेट हो जाएं आप चार्ज टू मैथ रेशो को कैलकुलेट कर सकते हो दूसरा जो इसका रिलेशन है चार्ज टू मैथ रेशो का वो पोटेंशियल की फॉर्म में और वो रिलेशन क्या है ई ओवर एम इज इक्वल टू टू टाइम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय बी स्क्वायर आर स्क्वायर अब ये पोटेंशियल कौन सा है ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रोड्यूस होता है ये इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस होता है यहां पर हम इलेक्ट्रॉन गन को यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन गन में आपको पता है कि हाई पोटेंशियल यूज होता है फिलामेंट को हीट करने के लिए और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट करवाने के लिए तो हमने अब दूसरा जो रिलेशन लिखा वो पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा कि इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन कर रहा है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से गेन कर रहा है जो है नोड और कैथोड के दरमियान है तो जितना हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की कानेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और उतनी उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी तो ये फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में है अब यहां पर एग्जामिनर हमसे रिलेशन पूछता है कि हमारे पास मैस का और रेडियस का रिलेशन क्या है मैस का और रेडियस का तो पहले वाले फार्मूला को अगर मैं देखूं तो उस फार्मूला के अंदर ई कॉन्स्टेंट विलॉसिटी कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट तो मैस और रेडियस का आपस में रिलेशन क्या है डायरेक्ट और किस पावर के साथ वन तो कंडीशन ये है कि अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है और मैं इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करता हूं और प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करता हूं सेम वेलोसिटी के साथ तो मैस का रेडियस के साथ रिलेशन डायरेक्ट आएगा विद पावर वन अब यहां से वो जो डिफ्लेक्शन वाला सवाल था वो क्लियर हो जाएगा आपको कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा और रेडियस ज्यादा होने का मतलब होता है कि वो डिफ्लेक्ट कम करेगा दूसरा जो रिलेशन है उसमें कंडीशन क्या एग्जामिनर कहेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया एक्सेलेट करवाने के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो तब मैस का और रेडियस का रिलेशन क्या है तब भी डायरेक्ट है लेकिन अब पावर वन के साथ नहीं है अब पावर टू के साथ मैस का और रेडियस का रिलेशन होगा तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कंडीशन और कंडीशन के साथ जो मैस का रेडियस का रिलेशन होगा वो चेंज हो जाएगा इसका और फार्मूला क्या है अगर जो फर्स्ट फार्मूला वेलोसिटी का उसमें मैं वी की जगह पुट कर दूं दूर से कैंसिल हो जाएगा तो चार टू मैशो का उमेगा की में रिलेशन आ जाएगा, और वो है उमेगा ओवर मैग्नेटिक फील्ड उमेगा ओवर मैग्नेटिक फील्ड ये भी चार टू मैथ रेशो का रिलेशन हो गया उमेगा की जगह टू ओवर टी पुट करें तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड की फॉर्म में अब डिफरेंट रिलेशन बनते जा रहे हैं अब इन तमाम रेशन में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसको बढ़ा दें तो क्या इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो बढ़ेगी या कम होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इंक्रीज कर देता हूं तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो क्या वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगी सेम रहेगी क्योंकि पोटेंशियल के बढ़ाने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन की विलोसिटी बढ़ेगी वेलोसिटी के साथ उसका रेडियस चेंज हो जाएगा लेकिन चार्ज टू मैस रेशो कांस्टेंट फैक्टर है ये हमारे पोटेंशियल के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इन तमाम फैक्टर्स के चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रेडियस का फैक्टर है वेलोसिटी का फैक्टर है जो टाइम पीरियड का फैक्टर है वो चेंज हो रहा होगा अब हमारे पास कुछ रिलेशंस इन्वॉल्व हो गए जो मैं यहां से पता चले कि चार्ज टू मैस रेशो किसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन किसकी ज्यादा होगी रेडियस किसका ज्यादा होगा और अगर तमाम को इक्वल पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा कौन अपना लूप कंप्लीट करने के लिए साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लेगा अब इनका आंसर क्या है सबसे पहले मैं एक रिलेशन लिखता हूं डिफ्लेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन का ताल्लुक मैस से क्या होगा जो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसका मैस के साथ रिलेशन क्या होगा डायरेक्ट या इनवर्स इनवर्स बिल्कुल ठीक और यह हम ये देख सकते हैं ऊपर मैस और रेडियस के रिलेशन से कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा और अगर रेडियस ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी और मैस का रेडियस के साथ रिलेशन क्या है डायरेक्ट तो डिफ्लेक्शन का भी रेडियस के साथ क्या रिलेशन है इनवर्स व्हाट अबाउट टाइम पीरियड टाइम पीरियड का डिफ्लेक्शन के साथ क्या रिलेशन होगा टाइम पीरियड का डिफ्लेक्शन के साथ क्या रिलेशन होगा जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा उसका टाइम पीरियड कम होगा ज्यादा होगा क्योंकि हम देख सकते हैं कि मैस का भी टाइम पीरियड से रिलेशन क्या है इनवर्स तो टाइम पीरियड के साथ जो रिलेशन आएगा वो भी इनवर्स आएगा और लास्ट में अगर मैं चार टू मैथ रेशो के साथ रिलेशन लिखना चाहूं डिफ्लेक्शन का चार टू मैथ रेशो से क्या रिलेशन होगा जिसकी चार टू मैथ रेशो ज्यादा होगी क्या वो डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा कम करेगा चार टू मैथ रेशो का डिफ्लेक्शन से क्या रिलेशन होगा डायरेक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ज्यादा करता है और इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो भी सबसे क्या होती है वो ज्यादा होती है तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखने हैं इनके आपस में भी कि चार्ज टू मैस रेशो का रेडियस के साथ टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है वो भी आप यहां से देख सकते हैं तो अगर मैं कंपेयर करता हूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को अगर मैं कंपेयर करूं तो डिफ्लेक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एल्फा पार्टिकल के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्शन फिर प्रोटॉन की और सबसे कम एल्फा पार्टिकल की अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज यानी चार्ज टू मैस रेशो का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं तो जो मेरे पास डिफ्लेक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वही स्पेसिफिक चार्ज का भी डिफ्लेक्शन ऑर्डर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर अगर मैं रेडियस की बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो पाथ बना उसका जो रेडियस होगा उसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा अब मैं उल्टा लिखूंगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन का रेडियस के साथ रिलेशन क्या इन्वर्स अब एल्फा पहले आएगा फिर प्रोटॉन आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन आएगा और लास्ट अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो जो रिलेशन रेडियस का होगा वही टाइम पीरियड का क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो बड़ा लूप अडॉप्ट करेगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि वो डिफ्लेक्ट कम कर रहा है तो उसका रेडियस भी ज्यादा है और जो छोटा लूप अडॉप्ट करेगा वो डिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहा है उसका रेडियस कम है छोटे लूप वाले का टाइम पीरियड क्या होगा कम और बड़े लूप वाले का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा ज्यादा तो टाइम पीरियड का भी वही रिलेशन होता है जो रेडियस का होता है तो ये इनके डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने याद रखने हैं अभी क्वेश्चन करते हैं तो रेशो से रिलेटेड और तो देखते हैं कि ये चीज आपको समझ अगर आई है तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं फाइंड करनी है रेशो आपने स्पेसिफिक चार्ज की रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज एक आपने फाइंड करनी है प्रोटॉन टू अल्फा और एक आपने फाइंड करनी है प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन जल्दी से इसको फाइंड करें और बताएं आंसर क्या आएगा चलिए देखते हैं आंसर अब आप लोगों के ठीक है या नहीं प्रोटॉन टू तो अल्फा पार्टिकल की चार टू तो मैस रेशो फाइंड करनी है ऊपर चार टू तो मैस रेशो प्रोटॉन की नीचे चार टू तो मैस रेशो अल्फा की अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज और अल्फा का चार्ज कंपेयर करूं तो प्रोटॉन का चार्ज अगर ई है तो अल्फा का चार्ज टू ई है प्रोटॉन का मैस अगर एम है तो अल्फा का मैस फोर एम है ई से कैंसिल हो जाएगा एम एम से कैंसिल हो जाएगा फोर चला जाएगा न्यूमिरेटर में और टू डिनोमिनेटर में तो आंसर आएगा टू रेशो वन इसका मतलब ये है कि चार्ज टू मैस रेशो जो प्रोटॉन की होती है वो डबल होती है एज़ कम्पेयर टू चार्ज टू मैस रेशो ऑफ एल्फ़ा पार्टिकल दूसरे केस में मुझे फाइंड करनी है प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन सेम मेथड चार्ज टू मैस रेशो ऊपर प्रोटॉन नीचे चार्ज टू मैस रेशो इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता तो प्रोटॉन के मैस में एटीन थर्टी सिक्स एमपुट करूँगा तो इलेक्ट्रॉन के मैस में सिंपल एम पुट करूंगा ई e कैंसल हो जाएगा एम कैंसल हो जाएगा एटीन थर्टी सिक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वन ओवर एटीन थर्टी सिक्स और इससे क्या पता चला कि चार्ज टू तो मैस रेशो इलेक्ट्रॉन की एटीन थर्टी सिक्स टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू चार्ज टू मैस रेशो या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ तो प्रोटॉन तो ये आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए कि स्पेसिफिक चार्ज को कैसे कैलकुलेट करना है बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऊपर रिलेशन जो मैंने बताए हैं मैथमेटिकल उनसे हैं अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ कि उन रिलेशन से हम मोमेंटम का रिलेशन कैसे डिवेलप कर लेते हैं और कॉनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसे डिवेलप कर लेते हैं मैं वेलोसिटी वाला रिलेशन यूज करूंगा मोमेंटम के लिए और कॉनेटिक एनर्जी के लिए ई ओवर एम इक्वल है वी ओवर बी आर के अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू ई वी आर तो ये एम वी क्या चीज़ है ये एम वी हमारे पास लीनियर मोमेंटम है तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा तो उसका अगर लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो वो ई बी आर के इक्वल होगा तो इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और अगर ये मोशन एंगुलर है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की बात भी हम कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है आर पी अगर एंगल 90 है तो आर रेडियस है पी हमें गिवन ई बी तो एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा वो ई बी आर स्क्र के इक्वल आएगा नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसे लिख सकते हैं देखिए ई ओवर एम वी ओवर बी आर पहले क्या करें यहां से मोमेंटम का रिलेशन लिख लें तो आ गया एम वी इज इक्वल टू ई बी आर अब अगर मैं मोमेंटम को कनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो हम यूनिट नंबर टू में ये फॉर्मूला लिख चुके हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम मैस इंटू कानेटिक एनर्जी तो ये रिलेशन चेंज होकर क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ टू टाइम मैस इंटू कानेटिक एनर्जी और ये आपके पास आ गया ई बी आर और स्पेसिफिकली अगर मुझे कानिक एनर्जी का रिलेशन रिक्वायर्ड है यहां से तो कानिक एनर्जी के रिलेशन के लिए मैं क्या लूंगा स्क्र तो राइट right साइड पे आ जाएगा ई स्केयर बी स्केयर आर स्कर और ये टू एम डिवाइड हो जाएगा और ये फार्मूला किसका आ जाएगा कानटिक एनर्जी का और आप इस कानिक एनर्जी के फार्मूला में देखें तो तमाम चीजें कॉन्स्टेंट ई बी आर और एम इससे क्या पता चला कि हमारे पास अब जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो ओवरऑल उसकी कॉनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो ये रिलेशंस आपको डेवलप करने आने चाहिए जो पढ़ा उन्हीं को यूज करना है और उन्हीं से आपने फर्दर रिलेशंस को डिवेलप करना है लास्ट टॉपिक आज का कि अगर एक चार्ज एक ऐसे रीजन में मूव करे जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हों तो उसकी मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा तुम्हारा तो जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात की कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो क्या होगा अब हम बात करेंगे एक ऐसे रीजन की जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है तब क्या होगा हम उस चीज को देखेंगे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि अगर मेरे पास एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्ट होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग तो क्या होगा और अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह एक नेगेटिव चार्ज प्रोजेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग तब क्या होगा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है वो शो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर पॉजिटिव चार्ज भी उस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है तो उस चार्ज पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगी और जब फोर्स और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो तो बॉडी एक्सेलेट करती है इसका मतलब इस केस में उसकी जो वेलोसिटी होगी इंक्रीज करेगी एक्सेलेशन पॉजिटिव होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स अप्लाई होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक वो उसकी मोशन के अगेंस्ट होगी और जब वेलोसिटी के अगेंस्ट फोर्स हो तो वेलोसिटी बढ़ती नहीं है velocity क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है ये पॉइंट आपको याद रखना है मैं इसको एक और एग्जाम्पल के साथ भी बता दूं कि अगर फर्ज करें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है राइट टू लेफ्ट अब मैं रिवर्स बात करूंगा। अब मैं कहूंगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है, दूसरा केस समझा रहा हूं इसको सुने अगर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा और अगर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है अब इस डायग्राम को देखें कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर जाएगा तो क्या पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा रिपेल करेगा अगर रिपेल करेगा तो उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी विलॉसिटी की अलॉन्ग है या ऑपोजिट है ऑपोजिट और जब फोर्स विलॉसिटी के ऑपोजिट हो तो क्या विलॉसिटी बढ़ती है कम होती है आंसर होगा विलॉस विल डिक्रीज इसका मतलब एक्सेलेशन नेगेटिव है वो डी एक्सेलेट करेगा लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे इसका मतलब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जब पॉजिटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स उसकी विलॉसिटी के अलॉन्ग अप्लाई होगी और जब फोर्स विलॉसिटी के अलॉन्ग अप्लाई हो तो विलासिटी क्या करती है इंक्रीज करती है ये दो केस आपने याद रखने हैं और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करे तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज अगर अलोंग मूव करे तो क्या होगा और नेगेटिव चार्ज अगर अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा फिर आप इसे फर्दर मजीद चीज़ों को भी देख सकते हैं कि अगर चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब होगा कि एक्सेलेशन क्या होगी पॉजिटिव होगी और एक्सीेशन अगर पॉजिटिव है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वर्क डन भी क्या होगा पॉजिटिव होगा लेकिन अगर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है चाहे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है एक्सेलेशन नेगेटिव रिटार्डेशन है और इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा वो नेगेटिव होगा क्लियर है ये पॉइंट और मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ इस दोनों एग्जाम्पल्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं थी एक और केस मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ फिर मैं कॉमन की बात करूंगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ना आए बल्कि मैं चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करता हूं, तब क्या होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होंगे तब क्या होगा क्या आंसर देंगे जी अब आंसर होगा दोनों डिफ्लेक्ट करेंगे क्यों डिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि अगर आप यहां पर देखो कि अब उन पे जो फोर्स अप्लाई होनी है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होनी है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट है इसका मतलब है कि हमारे पास ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो अप्लाई होगी वो टूवर्ड्स राइट अप्लाई होगी और नेगेटिव के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स होगी वो टूवर्ड्स लेफ्ट अप्लाई होगी इसे क्या होगा वही केस जो हम मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है दोनों केसेस में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है कहां मूव करेगा चार्ज उनके रिजल्टेंट में तो पॉजिटिव जो होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और जो नेगेटिव होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आनी है आपने ये नहीं याद रखना राइट या लेफ्ट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट तो इस केस में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव है वो कहां मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और जो नेगेटिव है वो कहां मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या अगर मैं नीचे से इनको प्रोजेक्ट करूं क्या तब भी इसकी डिफ्लेक्शन ऐसी ही होगी कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रखता हूं इसी डायरेक्शन में और मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं नीचे से दोनों को पॉजिटिव चार्ज को भी और नेगेटिव चार्ज को भी क्या तब भी डिफ्लेक्शन ऐसी ही होगी बिल्कुल तब भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट करेंगे थ्रो करेंगे अगर ये उसकी विलोसिटी है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगी तो वो डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी है वो ऑपोजिट लगनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के जब ऑपोजिट लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वो डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं करेगा वो डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो क्या चीज याद रखें कि जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होगा तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो क्या करेगा वो डिफ्लेक्ट करेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिफ्लेक्ट करेगा जबकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहां डिफ्लेक्ट करेगा वो डिफ्लेक्ट करेगा ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड और इस केस में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रोल वाला है। और यानी यहां पर जो वर्क डन होगा अगर डिफ्लेक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा अब आ जाए कंबाइन की तरफ ये तो हो गया अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ये मैंने क्यों पढ़ाया क्योंकि आपने यहां पर इसको यूज करना है अब मैं एक ऐसा रीजन ले रहा हूं जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है लेट से ये दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं इसमें जो अपर प्लेट है मेरे पास वो पॉजिटिव और जो लोअर प्लेट है वो नेगेटिव इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पेपर के बॉटम की तरफ है पेपर के प्लेन के लॉन्ग है लेकिन पेपर के बॉटम की तरफ है। और ये स्टेटमेंट अगर गिवन हो तब भी आप लोगों ने खुद से सोचना है और उसको ड्रॉ करना है इसी रीजन में प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रेजेंट है परपेंडिकुलर इन टू द प्लेन ऑफ पेपर ये मेरे पास जो क्रॉस है यहां पर किसे शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो कर रहा हूँ ग्रीन से और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं शो कर रहा हूं स्काई ब्लू से मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को एंटर करवाता हूं इन दोनों के परपेंडिकुलर अब पॉजिटिव चार्ज एंटर हुआ इलेक्ट्रिक के भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक के भी परपेंडिकुलर मुझे बताएं इस पॉजिटिव चार्ज पर इन दोनों फील्ड्स का क्या इफेक्ट होगा क्या पॉजिटिव चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाएगा क्या पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर क्या पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होगा इन टू द प्लेन ऑफ पेपर रखिएगा यहां पर दोनों फील्ड्स हैं तो यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी देखना है सबसे पहला काम तो यहां पर ये यह देखें कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनकी डायरेक्शन क्या है फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव प्लेट ऊपर है नेगेटिव प्लेट नीचे है इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी वो डाउनवर्ड होगी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन आ गई अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा पाम राइट हैंड रूल फिंगर्स प्लेन के इनवर्ड वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट तो मैं जब अप्लाई करूंगा राइट हैंड रूल तो मैग्नेटिक फ़ोर्स कहाँ आएगी मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट आएगी तो राइट हैंड रूल जब अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फ़ोर्स की जो डायरेक्शन हमारे पास आई वो कहां पर आई अपवर्ड आई अब क्या हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है नो no. कि मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर है या इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है इसका मतलब आंसर होगा कि इसका पाथ डिपेंड करेगा किसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर क्योंकि इस चार्ज पे हर टाइम पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो दो लग रही हैं और उन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो 180 है और वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 180 हो तो उनमें सब्ट्रैक्शन होती है मतलब यहां पर डिफरेंस लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कौन सा वेक्टर ग्रेटर है और रिजल्टेंट उसकी तरफ होगा तो यहां इसका मतलब है तीन केसेस होंगे नंबर वन अगर तो मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीच्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीच्यूड से ग्रेटर है अगर मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीच्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीच्यूड से ग्रेटर है इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो रिजल्टेंट होगा फोर्स का वो अपवर्ड होगा ये इसकी वेलोसिटी है टूवर्ड्स राइट right, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा कहाँ पर ये डिफ्लेक्ट करेगा टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट दूसरा केस अगर मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीच्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीच्यूड से कम है तब क्या होगा तब ये होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट आएगा वो डाउनवर्ड आएगा टर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स और अगर रिजल्टेंट डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ वेलोसिटी तो टूवर्ड्स राइट ही है अब ये डिफ्लेक्ट कहां करेगा डाउनवर्ड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट और थर्ड वन अगर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीच्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीच्यूड के इक्वल आ जाए तो फिर अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीच्यूड इक्वल तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाएगा तो अनडिफ्लेक्टेड की एक ही कंडीशन है और वो क्या है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या हो ये दोनों हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो तो अगर तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये कंडीशन आ जाए तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा और हम इस कंडीशन को यूज कहां पर करते हैं इसकी एप्लीकेशन कहां है इसकी एप्लीकेशन है में। कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट हो तो वेलोसिटी सिलेक्टर का रिलेशन कहाँ से आएगा यहां से मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम एंगल 90 नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल क्यू वी बी इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल ई क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हमें एक फार्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने का कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ जाएगी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं और अगर हमने उस चार्ज पार्टिकल की जो अनडिफ्लेक्टेड मूव हुआ उसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है तो वेलोसिटी रेशियो होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के तो ये जो फार्मूला वेलोसिटी का कि वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ये कब यूज होता है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में ऑपोजिट हो तब वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशियो के इक्वल आता है और ये कंडीशन किसकी है की। क्लियर हो गया पॉइंट चलिए एक और केस मैं आपसे पूछता हूं अब देखते हैं आप इसका आंसर ठीक दे पाते हैं या गलती करते हैं दोबारा मैं ड्रॉ करता हूं दो प्लेट्स अब भी जो अपर प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट है जो लोअर प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज बस मैंने ये किया कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जिसको मैं डॉट से शो कर रहा हूं अब भी पॉजिटिव चार्ज ही प्रोजेक्ट हुआ लेफ्ट साइड से परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अब बताएं क्या होगा क्या ये अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा डाउनवर्ड क्या ये करेगा या सेम आंसर देंगे? डिपेंड करेगा देंगे. और की के ऊपर. करेगा. बिल्कुल आंसर आप लोगों का ठीक है कि हमारे पास अगर ये पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पॉजिटिव चार्ज की अगर है दो फोर्सिस लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वो डाउनवर्ड अब अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा तो मेरी जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी राइट right हैंड के अकॉर्डिंग वो भी कहाँ पर आएगी मैग्नेटिक फोर्स भी डाउनवर्ड ही आएगी इसका मतलब यहाँ वो तीन केसेस नहीं है यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली जो दोनों फोर्सेस हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है डाउनवर्ड है अगर दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो भी कहां पर होगी वो डाउनवर्ड होगी तो वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है फोर्स डाउनवर्ड है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट तो इसमें कोई तीन केसेस नहीं बनते इसमें एक ही केस है और वो क्या है कि ये टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हो जाएगा अब ये जो हर जगह हम ये काम कर रहे हैं कि हम रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स को और वेक्टर सम ले रहे हैं सिंपल सम नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं वेक्टर सम इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स व्हाट इज लॉरेंस फोर्स लॉरेंस फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ सिर्फ सम नहीं बोलना इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अचार्ज मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट कि अगर एक चार्ज एक ऐसे रीजन में एंटर हो जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होगा वो क्या होगा वह हमारे पास के लाएगा लॉरेंस फोर्स अब यहां पर अगर मैं इसके मैथमेटिकल रिलेशन की बात करता हूं कि मैथमेटिकल रिलेशन क्या बनेगा तो वो रिलेशन क्या बनेगा एफ इज इक्वल टू एफ एम प्लस एफ ई अब फार्मूला में वैल्यू पुट करें एफ एम किसके इक्वल है क्यू वी क्रॉस बी और एफ ई किसके इक्वल होगा वो हमारे पास इक्वल आएगा ई e इन टू क्यू तो यहां से अगर आप क्यू को कॉमन लें, जब क्यू को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा क्यू को कॉमन लेने से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी प्लस ई ये लॉरेंस फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं होते लेकिन जो इसके केसेस हमने डिस्कस किए वो केसेस आपने याद रखने हैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ और फिर ये वाइंड अप करते हैं हम लेक्चर आज का अगर हमारे पास एक रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में right है इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट है मैग्नेटिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट है और इसी डायरेक्शन में आप एक पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट कर देते हो तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इन दोनों फील्ड्स का क्या इफेक्ट होगा अगर एक पॉजिटिव चार्ज को एक ऐसे रीजन में प्रोजेक्ट करें जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और अब यहां पर देखो तो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों का जो एंगल है वो जीरो डिग्री है तो ये बताएं कि इस चार्ज की मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा हर एस्पेक्ट से आपने देखना है वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी वर्क डन होगा नहीं होगा ये तमाम चीजें आपने बतानी है सिर्फ ये नहीं बता देना कि कुछ नहीं होगा ओवरऑल सोचें क्या क्या चीजें जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस केस में और दूसरा केस आप लोग ये देखेंगे कर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट मैग्नेटिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट right, और अगर यहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करता हूं इन दोनों के अलोंग और ऑपोजिट के लिए भी रेडी रहिएगा कि अगर ऑपोजिट का आए तब क्या होगा तो तब क्या इफेक्ट होगा जी पहले के आंसर क्या होंगे अगर मैं पहले के आंसर लिखता हूं शुरू करता हूं फील्ड से वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो मेरे पास पहला जो आंसर होगा इस केस में वो ये होगा कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी यस पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ोर्स अप्लाई होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा है अगर यूं ना समझ आया करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दी हो तो जहां से इनिशिएट हुई वहां पॉजिटिव प्लेट बना लो और जिस तरफ टर्मिनेट हो रही है वहां नेगेटिव प्लेट बना लो तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास नॉन ज़ीरो है और अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज है उसकी मोशन के अलोंग है तो ये वेलोसिटी को करेगी इंक्रीज अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलेशन हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव व्हाट अबाउट वर्क डन वर्क डन भी होगा क्योंकि तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अलोंग हो वर्क डन होता है और यहां वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव और किस वजह से होगा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से होगा तो ये हमारे पास रिजल्ट है इस केस के और अगर आपसे पूछा जाए कानिक एनर्जी करें कर एनर्जी बढ़ेगी कम होगी तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो कानिक एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी वो इंक्रीज करेगी दूसरे केस पे आ जाए दूसरे केस में क्या होगा हमारे पास अगर दूसरे केस में देखा जाए नेगेटिव चार्ज है सबसे पहले अगर नहीं समझ आ रहा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को बना ले पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव प्लेट तो उसको अपने पास नहीं आने देगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी मोशन के ऑपोजिट होगी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल है जैसे पहले एंगल हमारा जीरो था यहां भी एंगल क्या है जीरो अब मैं रिजल्ट लिखना शुरू करूं मैग्नेटिक फोर्स अब भी जीरो है इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन जीरो है लेकिन विलासिटी के अगेंस्ट है अगर विलासिटी के अगेंस्ट है या हमारी मोशन के अगेंस्ट है तो ये विलासिटी को डिक्रीज करेगा और वेलासिटी को डिक्रीज करने से रिटार्डेशन होगी नेक्स्ट पॉइंट वर्क डन मोशन के अगेंस्ट फोर्स है वर्कडन क्या होगा नेगेटिव होगा किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से और कॉनेटिक एनर्जी अगर विलासिटी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी तो ये रिजल्ट है आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तो क्या होगा और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग तो एक और केस बना सकते हैं और वो केस ये कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और पॉजिटिव चार्ज इनके अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा ये आप खुद कर लीजिएगा मैं कंक्लूड करूंगा इस यूनिट को कुछ फार्मूलाज से जो जो हमने फार्मूलाज पढ़े उन तमाम फार्मूलाज में अगर मैं अब फार्मूलाज लिखता हूं मैग्नेटिक इंडक्शन का जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन के अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं इसके क्या क्या मैथमेटिकल रिलेशन अब हमारे सामने आए अम्पेयर लॉ से स्टार्ट करता हूँ तो अम्पेर लॉ का रिलेशन म्यू नॉट आए ओवर टू पाए आर और इसको हमने यूं भी लिखा म्यू नॉट आए ओवर एल एल क्या था क्लोज पाथ कंडक्टर के अराउंड जो होगा उसकी लेंथ सोलिनाइट से रिलेटेड जब फार्मूला लिखा तो फार्मूला म्यू नॉट एन आए था और स्मॉल एन किसके इक्वल था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना तो इसकी डिपेंडेंस एरिया पर है और ना इसकी डिपेंडेंस रेडियस पर है इसके अलावा इसका रिलेशन हम आगे यूनिट जो नेक्स्ट होगा उसमें पढ़ेंगे टॉपिक तो एफ एस सी बुक में है लेकिन हमारे एम डी कैड के सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट यूनिट में फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया और ये जो रिलेशन होता है इस रिलेशन की वजह से इस बी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्योंकि कोई भी क्वांटिटी जब डायमेंशन से डिवाइड होती है लेंथ से एरिया से वॉल्यूम से तब हम डेंसिटी का वर्ड यूज करते हैं इसके अलावा हमारे पास क्या फार्मूला जो हमने पढ़ा कंडक्टर पे जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसका फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूं मैग्नेटिक फोर्स ओवर करंट पासिंग टू द कंडक्टर इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर और लास्ट अगर मैं रिलेशन लिखूं चार्ज के वाले से तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी लिखने को और भी लिखे जा सकते हैं जैसे v इज इक्वल टू ई ओवर बी से आप लिख सकते हो लेकिन मेन ये वो रिलेशन है जो नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो रहे होते हैं और ये जो लास्ट मैंने दोनों फार्मूलाज लिखे ये फार्मूलाज मैंने लिखे हैं जब एंगल मैं कितना ले रहा हूँ नाइन्टी डिग्री ले रहा हूँ पहले केस में बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे केस में बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तब यह रिलेशन हमारे यूज होंगे नेक्स्ट ऐसा यूनिट इन तमाम फार्मूलाज से अगर मैं ऐसा यूनिट लिखता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन तो वो क्या होता है वो टेस्ला होता है कैपिटल टी टेस्ला किसके इक्वल है टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और फ्लक्स डेंसिटी के हवाले से इसको लिखा जाए तो ये इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर जल्दी से काम करें इसका एस SI आई बेस यूनिट फाइंड करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एस SI आई बेस यूनिट क्या होगा देखिए सिंपल इसका एस SI आई बेस यूनिट फाइंड करेंगे कोई मुश्किल नहीं है इसको यूज कर लें न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर को तो न्यूटन की जगह आपके पास आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड हो रहा है अम्पेयर और मीटर से क्या होगा मीटर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा बेस यूनिट का किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर अम्पेयर ये है एस आई बेस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन एक और यूनिट भी देख लेते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है वैल्यू फोर पाए टेन रेज टू पार माइनस सेवन वेबर पर एंपेयर पर मीटर ये तो उसका ऐसा यूनिट हो गया फाइंड करें कि इसका ऐसा ही बेस यूनिट क्या होगा यूनिट फाइंड इसका करना है। तो वेबर पर पर मीटर जो वेबर होता है वो न्यूटन मीटर पर अंपेयर होता है तो मीटर कैंसल हो गया एक आपको ये पता चल गया कि ये न्यूटन पर एंपेयर स्केयर के इक्वल भी है आगे काम आसान है अगर न्यूटन आ गया इसका मतलब न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर और साथ पर एंपेयर स्केयर ये ऐसा ही बेस यूनिट है और आपको एक और चीज पता चली वो ये कि न्यूटन पर अंपेयर ये भी इक्वल होता है वेबर पर पर मीटर के हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पासिंग थ्रू अ सरफेस विच इज़ प्लेस पर पेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मींस हमारे पास एक सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो जितनी फील्ड लाइंस उसमें से पास करेंगी उस नंबर को कहा जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड इसके अलावा इसको डिफाइन किया जाता है एज अ डॉट या स्केलर प्रोडक्ट इट इस डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड वैक्टेरिया ए यह हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन का और वेक्टर एरिया का अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं टुवर्ड्स राइट right. इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं बीस से और यहाँ पर एक हमारे पास सर्फेस प्रेजेंट है जिसका सर्फेस एरिया ए है और वैक्टेर एरिया ए अब इस डाइग्राम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास करेंगी इस सर्फेस में से दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लेकिन लाजमी नहीं होता कि हमेशा वैक्टेर एरिया बी के पैरल हो ये भी हो सकता है कि हमारे पास वैक्टेर एरिया किसी एंगल थीटा के ऊपर तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ एंगल कितना है थीटा अब मैथमेटिकली बात करते हैं अब मैथमेटिकली जब मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा जाएगा तो बी डॉट ए लिखा जाएगा डॉट प्रोडक्ट मींस बी ए कॉस थीटा अब या तो बी इंटू ए कॉस थीटा मीन्स ए का वो कॉम्पोनेंट जो बी के लॉन्ग है या फिर हम B cos सीटा इंटू ए लेंगे और इस केस में हम फील्ड इंटेंसिटी का वो कॉम्पोनेट लेंगे जो वेक्टर एरिया के अलोंग होगा और हम जानते हैं कि डॉ प्रोडक्ट में हमेशा वो कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व होता है जो दूसरे वेक्टर के अलोंग होता है जिसको हम प्रोजेक्शन का नाम भी दे रहे होते हैं नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे कि इसका एस आई यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर वेबर किसके इक्वल होगा बाय फार्मूला टेस्ला इनटू मीटर स्केयर टेस्ला क्या होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर तो मीटर कैंसिल होगा तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर मीन्स जाउल पर एम्पेयर अगर इसके ऐसे ही यूनिट को फाइंड करने को कहा जाए तो हम जो लास्ट जाउल पर एम्पेयर है हम उसे यूज करेंगे जाऊल को रिप्लेस कर दें किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकेंड स्केयर से डिवाइड हो रहा है ये से तो बेस यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकेंड स्केर पर, सेकंड पर अब मैग्नेटिक फ्लक्स के हम केसेस को डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है और किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम को लिखा जाता है और इनसे रिलेटेड हमसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं say, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमारे पास एक सरफेस प्रेजेंट है फर्स्ट केस में मैं उस सरफेस को इस तरह से प्लेस करता हूँ कि उसका जो वेक्टर एरिया हमारे पास है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरल है इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया बी के पैरल है और दूसरे केस में हम प्लेन को इस तरह से प्लेस करेंगे इन फील्ड लाइंस में कि हमारे पास उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा अब दोनों केसेस में हमने अगर देखना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम है या मैक्सिमम है तो हम रेफरेंस वेक्टर एरिया भी ले सकते हैं और कॉयल का या सरफेस का प्लेन भी ले सकते हैं फर्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर यह लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या वेक्टर एरिया इज़ पैरल टू फील्ड लाइन्स कि जो वैक्टेर एरिया हमारे पास है वो फील्ड लाइन्स के पैरल है या फील्ड लाइन्स वैक्टर एरिया के पैरल है सेकंड केस में जो वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस के फर्स्ट केस में एंगल जीरो दूसरे केस में एंगल नाइन्टी इसको एक और रेफरेंस से भी लिखा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू सर्फेस तो जो चीज़ वैक्टेर एरिया के पैरल होगी वो हमारी सर्फेस के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी तो फर्स्ट केस में सर्फेस एरिया इस परपेंडिकुलर टू बी लेकिन दूसरे केस में सर्फेस एरिया क्या है वो पैरल है फील्ड लाइंस के तो याद रखिएगा वेक्टर एरिया अगर पैरल तो सर्फेस एरिया परपेंडिकुलर और वेक्टर एरिया अगर परपेंडिकुलर तो सरफेस एरिया पैरेलल एंगल दोनों केसेस में पता है फ्लक्स के फार्मूला में पुट करेंगे तो फर्स्ट केस में फ्लक्स क्या आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है मैक्सिमम और सेकेंड केस में फ्लक्स क्या आएगा वो जीरो आएगा क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन इस केस में पास नहीं करेगी अब अगर हमें ये कंडीशंस का पता है तो इससे रिलेटेड हम एम सी क्यूज को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इफ प्लेन ऑफ अ कॉइल इज पैरेलल टू पोल फेसिस ऑफ अ मैगनेट से हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ और हमारे पास एक ऑयल का प्लेन उसके पैरल है तो बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम या मिनिमम अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं मैगनेट का ये एक प्लेन है और ये उसका दूसरा प्लेन है मीन्स जो दो पोल्स होते हैं एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल अब इस मैग्नेट का जो प्लेन है उसके पैरेलल हमारे पास कॉयल का प्लेन प्रेजेंट है जो पोल फेसेस का प्लेन हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है आपको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया इसके पैरेलल क्या प्रेजेंट है जो कॉयल है हमारे पास उसका प्लेन है मींस दोनों आपस में पैरेलल है अगर कॉयल हमारे पास प्लेन पैरेलल तो वेक्टर एरिया तो उसका परपेंडिकुलर तो डायग्राम को देखें तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के अलॉन्ग है मीज़ एंगल जीरो और हमने ऊपर पढ़ा जब वैक्टेर एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा तो हमारा जो फ़्लक्स होगा वो क्या होगा मैक्सिमम तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है और अगर ये कॉयल का प्लेन हमारे पास क्वेश्चन में प्लेन की जगह वेक्टर एरिया कह देता कि वेक्टर एरिया इस परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस तो तब हमारे पास एंगल क्या होता हमारे पास एंगल होता 90 और एंगल अगर 90 होता तो फ्लक्स क्या होता मिनिमम मींस ज़ीरो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फाइंड करें एंगल जिस एंगल पे हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स के हाफ होगा सिंपल क्वेश्चन है राइट टू लेफ्ट साइड पे वैल्यूज पुट कर दें फ्लक्स बी ए कॉस सीटा और मैक्सिमम फ्लक्स सिंपल बी ए बी ए कैंसिल हो जाएगा कॉस सीटा वन बाई टू के इक्वल तो क्या आएगा कॉज इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू थीटा और कॉस किस एंगल पे हाफ होता है हम सब जानते हैं सिक्सटी डिग्री पे तो सिक्सटी डिग्री वो एंगल होगा जहाँ फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा और क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता था फिफ्टी परसेंट तो एक ही बात होगी सेम मेथड होगा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन ये एक ही चीज़ होती है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उससे अगर इसके मैथमेटिकल रिलेशन को लिखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करें दैट इज फ्लक्स डेंसिटी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वेयर और इसका फर्दर अगर हम ऐसा ही बेस यूनिट फाइंड करना चाहें तो जो मैंने न्यूटन पर एम्पेयर मीटर लिखा उसमें न्यूटन की वैल्यू को पुट करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्र मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड स्क्यर पर एम्पेयर तो ये ऐसा ही बेस यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। अब पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पास में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपकी बुक की एक सॉल्व एग्जाम्पल है और फिर उसके डिफरेंट जो केसेस बन सकते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हमारे पास है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू फोर्टी आई प्लस एटीन के यूनिट वेबर पर मीटर्स के और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पास हो कर रही है एक सरफेस में से जिसका एरिया है फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर और वो जो कॉयल है वो कहाँ प्रेजेंट है दैट कोयल लाइज फ्लैट इन एक्स वाई प्लेन वो कॉयल एक्स वाई प्लेन में है फाइंड करें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या सबसे पहला काम तो ये आपको करना होगा कि आपको यहाँ पर ये यह देखना है कि बी और ए दोनों वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए बी तो वेक्टर फॉर्म में है ए नहीं है अब ए की वेक्टर फॉर्म मीन्स उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप एक्स वाई जी एक्सिस ड्रा करें और यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में उस कॉयल को प्लेस करते हैं अब अगर कॉयल एक्स वाई प्लेन में है तो वैक्टर एरिया एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मीन्स अलॉन्ग जी एक्सेस तो इसका मतलब अगर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा अलॉन्ग जी एक्सेस तो हमारा जो यूनिट वैक्टर आएगा वो क्या आएगा वो पॉजिटिव के आएगा तो यहाँ पर जो वैक्टर एरिया आ गया वो क्या आ गया फ़ाइव के अब आप इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट बी डॉट एक और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई आई से मल्टीप्लाई होता है जे जे से और के के से और फिर ये ऐड हो जाते हैं अब मैं बी को और ए के वैक्टर को देखूँ तो मेरे पास सिर्फ के मल्टीप्लाई होगा तो एटीन इंटू फाइव क्या आपके पास आंसर होगा नाइन्टी और फ्लक्स है तो यूनिट क्या होगा आपके पास यूनिट होगा यहाँ पर वेबर तो ये ख्याल रखिएगा कि जब डॉप प्रोडक्ट लेंगे तो आई आई से मल्टीप्लाई जे जे से और के के से अब आई प्रेजेंट नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा सिर्फ के प्रेजेंट है तो एटीन इंटू फाइव नाइन्टी और सात टेन एसपर माइनस फोर क्यों लिखा क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर था उसको तो मैंने मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट कर दिया अब यहाँ मैं आपको एक्स वाई प्लिन के अलावा मैं बाकी जो दो प्लेन हैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर वहाँ पड़ा होगा तो फिर वेक्टर एरिया क्या है तो लेट्स से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई और जी एक्स अब तीनों जगह पर मैं इसकोल को प्लेस कर देता हूँ अब एक्सिस को नाम दे दें एक्स वाई अगर एक्स वाईव में होगा तो वेक्टर वैक्टेरिडिया कहां होगा एक्स वाई के परपेंडिकुलर अगर वाई जी तो वाई जी के परपेंडिकुलर तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा अलॉन्ग जेड एक्सेस तो मीन्स के यूनिट वेक्टर आएगा तो यहां पर फाइव हो हो तो के होगा अगर एक्स सी प्लेन में होगा तो एक्स जी के परपेंडिकुलर कौन होगा वाई तो फाइव जे आएगा और वाई जी के परपेंडिकुलर कौन होगा एक्स एक्सेस तो क्या आएगा यहाँ पर फाइव आई आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में अगर वो प्लेन को चेंज कर ले तो तब भी इसको सॉल्व किया जा सकता है